घरेलू काम काज करते समय महिला पंखे में आई करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को आनन फानन में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेदना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। कस्बे की मोहल्ला तिलकनगर निवासी संजीव अग्निहोत्री की 40 वर्षीय पत्नी मोहिनी घरेलू कामकाज कर रही थी, तभी कमरे में चल रहे फर्राटा पंखे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में मोनिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेदना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। महिला के दो पुत्र व एक पुत्री हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पंखे में करंट आने से महिला को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां महिला झुलसी हुई थी और महिला को चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित किया गया। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, बिदना हो रही है। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? तिलक नगर मोहल्ले में। क्या मामला हो गया एक महिला ये गंभीर अवस्था में? ये इनको करंट लग गया फर्राटे पंखे से। अच्छा अच्छा, घर में था? घर में ही था, जिसको ये प्लग लगा रही थी। जी जी। और जिसके कारण उनको प्लग पंखा ऊपर ही गिर गया, जिसमें करंट आ रहा था। करंट आ रहा था। 5 मिनट तक इनके छाती पे पंखा पड़ा रहा, जो अंदर गेट बंद था जिसका। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उसको पंखे को हटाया। पहले गेट कुंदी बंद थी, कुंदी को तोड़वाया, इसके बाद अंदर घुसे, तब इनको बागिश डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल ले गए। जी। यहाँ पर लेके आए तो उन लोगों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये मृतका महिला क्या नाम है? मोहिता देवी। मोहिता देवी। पिता की, पति का नाम क्या है? इनका संजीव कुमार अग्निहोत्री। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग? 38 साल। डॉक्टर साहब, एक सीएससी में महिला आई है, बताया गया है कि करंट की चपेट में आई है, क्या है मामला? देखिए, मृतक का नाम जो है मोहिता अग्निहोत्री, वाइफ ऑफ संजीव, जिनकी उम्र लगभग जो है 48 साल है और तिलक नगर बिदुना की निवासी है। सुनने में ये चला है कि जो है पंखे में करंट के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में जो है उनको जो है मृत जो है घोषित कर दिया गया है।